किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। अपनी यात्रा पर जो उत्तर भारत में मैं कर रहा हूँ, आज मैं आया हूँ 4C गांव में, जो श्री गंगानगर ज़िले के एक गांव है। उसमें एक किसान है जो पिछले वर्ष मुझसे अमरूद के पौधे लेकर आए थे, श्री धीरज साहू। धीरज साहू जी अच्छे किसान हैं और इनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो इन्होंने पारंपरिक खेती की बजाय बागवानी करना उचित समझा। और जब मैं इनके बाग में आया, आज पिछले वर्ष मुझसे पेड़ लेकर आए थे, तो मैं थोड़ा दंग रह गया इनका बाग देखकर। इन्होंने कई प्रकार की बागवानी की हुई है, अनार है, अमरूद है, अमरूद में भी इनकी 3 वैरायटी हैं, उसके बाद अंजीर है और इनका कीनू है। कीनू इनका पहले बहुत मुख्यता था, करीब 15 साल पुराने पेड़ भी हैं कीनू के। और इन्होंने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से सब काम किया हुआ है, एक बड़ा टैंक भी है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आपने ये बागवानी बढ़ाने का निश्चय क्यों किया और आपको क्या फ़ायदा हुआ, और अमेजिंग किसान से जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ। या जो मैं विजिट से हूँ, मैं सुबह से 1 घंटे से, करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया मैं बाग पे हूँ इनके। इनका गांव इतना सुंदर है कि पहली बार ऐसा गांव मैंने देखा है जो इतने सुव्यवस्थित ढंग से। बहुत बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा गांव है, ये जाट लोग हैं यहाँ के। और इतने सुंदर मकान बनाए हुए हैं इन लोगों ने कि मैं दंग रह गया। किसी शहर में भी इतनी सुविधाएँ नहीं होंगी जो इन लोगों के पास है। आइए मिलते हैं धीरज जी से। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है अमेजिंग किसान में। हाँ जी सर। आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ जी, उनको अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मेरा नाम धीरज साहू है, मैं गंगानगर ज़िले से हूँ और ये गंगानगर ज़िले से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव है, 4C छोटी। अच्छा धीरज जी, अब ये बताइए कि ये बागवानी कब से करते थे आप? बागवानी तो सर हमें जैसे किन्नू का बाग था उसे लगाए हुए तो लगभग हमें 15-16 साल हो गए। अच्छा। लेकिन जो अपनी पारंपरिक खेती है, जैसे सरसों हो गई, गेहूं हो गई, और पर इनमें जो इनकम आनी चाहिए वो इनकम नहीं आती, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है और इनकम कम है। तो इसलिए मैंने आपका यूट्यूब पे, अमेजिंग किसान चैनल पे मैंने काफ़ी आपकी वीडियो देखी और उससे प्रेरित होकर मैं आपसे पौधे लिए, आपसे बात की और आपके मतलब मार्गदर्शन में मैंने ये पौधे लगाए और जो आपके सामने आज अच्छा खेत है और सब कुछ है। धीरज साहू जी, आपने ये जो कितनी वैरायटी लगाई हुई है? ये मेरी है जी 5 वैरायटी है जी। एक तो है मेरे पास इलाहाबाद सफ़ेदा, एक है लखनऊ 49, एक है धवल, एक है श्वेता और एक ताइवान पिंक। ताइवान पिंक। अच्छा, कितनी दूरी पर लगाए हैं आपने? ये मेरा है जी 10x10 के ऊपर है। 10x10। 10x10 पर 1 एकड़ में 450 पेड़ लगते हैं। हाँ जी, लगभग 450 पेड़ लगते हैं। हाँ जी, लेकिन इसमें कटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पौधे को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसे हर साल हमें काटना पड़ेगा, अच्छी तरह काटना पड़ेगा। हाँ जी सर। अच्छा, आप जो पौधे लगाए थे आपने किस समय लगाए थे पिछले सर? ये सर मैंने लगाया था पिछली बार ये 15 अक्टूबर के करीब। 15 अक्टूबर के। हाँ जी। अच्छा, अब जो हैं ये पौधे हैं आपके हिसाब से कैसे हैं? कितने परसेंट पौधे आपके मोर्टेलिटी में गए या मर गए? मोर्टेलिटी में सर जो मैं लेके आया था आपसे लिए थे पौधे, जो उनमें जो धवल की वैरायटी है सिर्फ उस वैरायटी के अंदर मेरे पौधे थे जो जिनमें मोर्टेलिटी आई और उनमें कम से कम 20-25 पौधे मेरे मरे थे। बाकी में से वो उसके पौधे थे सर 125 से करीब पौधे थे आपके धवल के, उसमें से 20-25 पौधे मेरे मर गए। और L49 और इलाहाबाद सफेदा, इसमें से सर मेरे लगभग मॉडलिटी मेरी को यही नहीं, सभी पौधे बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छे। 1-2% मान ले। हाँ जी, 1% मुश्किल से, वो भी। हाँ, 1%। हाँ जी। इनके यहाँ जो मैंने देखा तो कुछ पौधों की तेज हवा से इन्होंने डंडी का सहारा नहीं दिया था किसी। हाँ जी, पौधे हाँ जी। को डंडी का सहारा नहीं है इनके, नहीं है उसमें। तो कुछ पौधों की जो ग्राफ्ट से थे उसे टूट गए थे
और वो पौधे इनके जो है ना बीजू पौधे बन गए। अच्छा, आपने अनार और अमरूद के अलावा और क्या लगाया है? सर अनार और अमरूद के अलावा मैंने सर अंजीर लगाई हुई है जी। अच्छा, ये अंजीर का बाग है। हाँ, कितनी बाई कितने पर लगाए हैं ये है जी? 10x14 पे है जी। 14x10? हाँ जी। लाइन से लाइन की दूरी 14 फीट? हाँ जी। और ये 10 फीट? हाँ जी 10 फीट। अच्छा, इन पौधों के बारे में बताओ आप। ये जो पौधे हैं जी, ये डायना प्रजाति के पौधे हैं। अच्छा। और ये पीली अंजीर है जी। पीली अंजीर? हाँ जी। कहाँ से लिए थे ये पौधे? ये यहाँ पे गंगानगर में हमारे जी कृषि मार्केटिंग कंपनी है। अच्छा। उनसे, उनके थ्रू मैंने लिए। कितने का पौधा था ये? ये एक पौधा पड़ा मुझे सर 400 रुपये का। और कितने का, मतलब कौन सी, किस टाइप का पौधा है ये? ये टिश्यू कल्चर पौधा है जी। टिश्यू कल्चर। अच्छा, आपने अंजीर का क्यों सोचा? अंजीर का इसलिए सोचा क्योंकि सर एक तो इसमें जो हमारा एग्रीमेंट किया हुआ है वो हमसे 300 रुपये किलो हिसाब से वापस लेंगे फ्रूट। एक तो बाज़ार में बेचने वाला झंझट नहीं है कोई, वो आएंगे यहाँ से खुद लेके जाएंगे जो भी अंजीर होगी। लेकिन बाज़ार में तो इस टाइम 90 रुपये का भाव चल रहा है। नहीं, हमारा एग्रीमेंट है जो वो अब से कम 2 साल पहले का किया हुआ है जी। अच्छा। और जो अब वर्तमान में जो चल रहा है रेट वो 90 रुपये चल रहे हैं। अच्छा, तो उस टाइम उन्होंने ना लिया तो क्या करोगे आप? उसके बाद ना कर दिया कि भाव कम है हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद सर नहीं लिया तो फिर बाज़ार के अंदर या और भी जैसे अमेजन वगैरह पे ट्राई करेंगे, पर लेंगे जी। वो एग्रीमेंट किया हुआ है, सब कुछ है। अच्छा। और अभी तक तो लग रहा है जैसे ठीक है। अच्छा। कोई भागने वाली बात नहीं है कोई। अच्छा, जिनसे पौधे लिए थे उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था? हाँ जी। या कोई और कंपनी थी? नहीं नहीं नहीं, जिनसे पौधे लिए उन्होंने किए। अच्छा, आपको कितना बताया था कि इसमें कितने वर्ष बाद फल आएगा और उसको जो है ना लगभग कितना फल शुरू होगा, इसके बारे में? इसमें सर उन्होंने उनके बताए अनुसार कि इसमें जो फ्रूट आएगा वो 5 लगने के 5 छठे महीने फ्रूट आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा। और जो अब मैंने जो अंजीर लगाई हुई है ये इसको अभी 5.5 महीने हुए और इसके अंदर कई कई जगह मुझे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं अब। लेकिन ये जो फ्रूट है ये जो कंपनी लेगी नहीं इस बार, इसका कारण है कि जो फर्स्ट बार जो आता है ना फ्रूट अंजीर आती है उसमें जो क्वालिटी सही है। अच्छा। वो उसमें क्वालिटी बनती नहीं है फर्स्ट ईयर में। पौधे भी छोटे होते हैं? हाँ जी, छोटे होते हैं और क्वालिटी उसकी जो ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट ईयर वो इसका है जो अंजीर वो हमसे लेंगे। कितना प्रोडक्शन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद उसमें? है जी दूसरे साल, ये कंपनी वाले बताते हैं कि इसमें एक पौधे के अंदर कम से कम दूसरे साल में 10 किलो एवरेज आएगी एक पौधे की। अच्छा। हाँ जी। तो 10 किलो को अगर हम मान के चलें तो 1 एकड़ में इसमें 300 पेड़ लगे हैं। 1 एकड़ में? हाँ जी 300 पेड़ लगे। 12x10x14 14x10 14x14 142। हाँ जी। लगभग 300-325 पेड़ लगे। हाँ जी एकड़ में। एकड़ में? हाँ जी। तो अगर एक पेड़ से 10 किलो मिला? हाँ जी। तो आपको ये समझिए कि 1300 एक एकड़ में 3000 किलो अंजीर मिलेगी। हाँ जी। और 3000 को अगर हम रफली 100 से करें तो 3 लाख की अंजीर। हाँ जी। हाँ जी। तो कितना खर्चा आया आपका इसमें अब तक? अभी तक बस खर्चा आएगी तो सर ड्रिप कराई थी खेत के अंदर। अच्छा। एक ये पौधे का जो खर्चा है 400 रुपये। 400 रुपये बस यही खर्चा है जी, और तो कोई खर्चा है नहीं इसमें। तो 400 रुपये के हिसाब से आपको एक एकड़ में 300 पौधे लगे। हाँ जी। तो 1,20,000 के हो गए। हाँ जी। तो पहले साल ही आपकी मतलब जो है ना कॉस्ट निकल सकता है? निकल सकता। अच्छा, बीच में कुछ लिया आपने इसमें अब तक? नहीं नहीं, इंटरक्रॉपिंग? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं लिया जी। इंटरक्रॉपिंग इसको खाली छोड़ रखा था, फरवरी में पौधे, उसके बाद इसमें कुछ नहीं लिया हमने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ। हाँ जी। तो मैं ये हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है इस पे घूम रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे डब्बाली में बताया कि हमारे यहाँ पर गंवार बहुत अच्छी होती है, तो हरी खाद की बात हुई, कुछ किसान हैं, एक किसान है विनोद जी, हाँ जी। तो वो गंवार बोते हैं बीच में। हाँ जी। उसमें हरी खाद के लिए। हाँ जी। हाँ जी। और वो कहते हैं कि अगर आपको फसल लेनी है तो आधी काट लो आधी बुहाई कर दो, और नहीं तो एक बार फसल ले लो उसे काट दो और नीचे से फिर वो चलिया। हाँ जी। तो हरी खाद के रूप में वो गवार करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि गवार या ढेंचे में से कोई हरी खाद करें? अभी तक तो सर जैसे अब लगाए हैं तो एक तो हम यहाँ पे गवार कर दें तो उसमें फ्लड पानी दे के इसको बाग के बढ़िया फिर गवार भेजा जाएगा। और गवार में सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि हमारे एरिए में बारिश बहुत कम आती है। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं गवार रास्ते के अंदर, तो वो क्या है जी पानी तो लगा दिया उसको, रोनी कर दी बढ़िया, रोनी करके उसको बीज दिया, पर बारिश की कमी के कारण वो सर बिल्कुल जला हुआ है। अब उसकी हाइट होगी कम से कम आधा फुट मुश्किल से गई होगी गवार की। अच्छा। तो
तो सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है। तो फिर दूसरा ढांचा वगैरह तो हो ही नहीं सकता, वो हाँ तो बहुत ज्यादा पानी, हाँ जी पानी ज्यादा चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा कोई और इंटरक्रॉप में हरी खाद के रूप में नहीं आपने सोचा कुछ करने के लिए, जिससे जमीन थोड़ी ढकी रहे उस टाइम? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं सोचा इसके बारे में, कुछ नहीं सोचा नहीं। अच्छा, बाकी आप खाद के रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अब जैसे इसको लगाया था सर, इसमें पर एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली मैंने गोबर की खाद डाली थी। अच्छा, इस वाले प्लांट में सारे में। और उसके उसके बाद में इसमें जैसे मैंने प्रोम डाली है, बताया था आपको, जैसे अनार में डाली है वैसे इसमें 50 ग्राम पौधे की प्रोम डाली हुई है अभी। हाँ जी। और माइकोराजा और सिक्स एलिमेंट का तो आपका तरीका सही नहीं है डालने का, जो ना कच्ची खाद डाल देते हैं आपके। हाँ जी हाँ जी, कच्ची खाद, उससे व्हाइट ग्रब वगैरह की समस्या होती है? हाँ जी हाँ जी, व्हाइट ग्रब की समस्या तो अभी तक तो नहीं आई, बाग में कई बार आ जाती है समस्या, पर उसके लिए सर टी स्टेंस की बायोमेजिक आती है। अच्छा, तो वो हम यूज करते हैं जी। लेकिन अगर खाद को उसे अच्छी तरह सड़ाओगे, जो मैंने बताया है हांजी, इस तरह से हांजी, हांजी। तो वो क्या मतलब बताया है मैंने खाद को बनाने का? सर आपने बताया कि जैसे गोबर की खाद कच्ची खाद है, घर से जैसे ट्राली के अंदर उसको उठाया और उसको मतलब 2-2 फुट की परत में उसको बिछा लिया। हाँ। और उसके ऊपर 4 हाँ जी 2 फीट से ज़्यादा ऊंची या 3 फुट हाइट से ज़्यादा नहीं करनी, ताकि अपना ट्रैक्टर है उसके ऊपर आसानी से घूम जाए रोटावेटर लेके। तो उसके ऊपर मतलब 400 लीटर के करीब जीवामृत डाल के, एक ट्रॉली में 200 लीटर, हाँ जी एक ट्रॉली में 200 लीटर जीवामृत डाल के और उसको ढक के छोड़ देना है, और 15 दिन के बाद में उस पर रोटावेटर फेर देना है उसके ऊपर, और उसके बाद उसमें वापस 200 लीटर जीवामृत डाल के। ना ना, उसके बाद उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि थोड़ी नमी बनी रहे, 40%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर ढक दो उसे, ठीक है। हर 15 दिन में कम से कम 4 बार काटना है उसको, तो 3 महीने में बहुत अच्छा ये घनामृत बन जाता है। नहीं सर, एक जैसे हमने जीवामृत डाल दिया उस पर, तो वो तो कच्ची खाद है, वो अंदर से सेक नहीं मरेगी, गर्म नहीं होगी सर वो? नहीं नहीं होगी वो, उसमें नमी नमी रख। हमने कहा ना, एक तो आपका गोबर 15 दिन पुराना हो गया, वो हाँ जी वहाँ पड़ा हुआ, हाँ जी वो वहाँ निकल गई गर्मी उसकी। अच्छा जी। फिर हमने जो उसकी तह बनाई है उसको जो है ना, वो 2 फीट इसीलिए रखते हैं, वो गर्म नहीं होगी। अच्छा सर। और फिर जीवामृत पड़ के वो अपने आप, ठीक है, क्योंकि 15 दिन पुरानी, 15 दिन इसीलिए रखते हैं, मतलब उसमें जो है ना कि ये मीथेन गैस सब निकल जाती है। हाँ जी। और सर उसमें वैसे ही अपने, आपने बोला नमी बनाए रखनी है, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा अपने को? और हाँ, पानी का छिड़काव रखना, तो उससे जहाँ पर ये कार्य करते हैं वहाँ पर दो चीजों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक तो वहाँ छाया होनी चाहिए। हाँ जी। अगर छाया नहीं है या कोई शेड नहीं है, तो आप उसे इतनी अच्छी तरह ढक कर रखें कि उस पर धूप का असर ना हो। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा ये ध्यान रखना है, पहली बार जीवामृत डालने के बाद में, कि जब पलटी करेंगे, ये ध्यान रखना है कि उसमें नमी प्रॉपर बनी रहे। हाँ जी सर। नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नमी कम भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अगर कम है तो उसको छिड़काव करिए, और अगर नहीं आवश्यकता है तो मत करिए, ठीक है, ये बताया है उसका। अच्छा, जीवामृत का कभी प्रयोग किया आपने, बनाया? हाँ जी हाँ जी, बनाया हुआ है जी। अच्छा, और क्या यूज करते हैं आप इसके अलावा, वेस्ट डिकम्पोजर आदि कुछ? वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं जी, किन्नू के बाग में किया अभी तक, इसमें तो मैंने नहीं किया, अंजीर में, अनार में, अमरूद में, इसमें मैंने यूज अभी तक नहीं। किसान साथियों, ये इनका अंजीर का बाग है, ये देखिए, ये देखिए अंजीर का बाग है जो मैं इसके बीच में खड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार के जुझारू किसान, जो जिनकी सोच थोड़ी बदली हुई है, इनको सिर्फ मैंने ये बताया कि आपको जो है ना थोड़ा सा और ढंग से ये समझना है कि पौधों का रूट स्ट्रक्चर क्या है, उनको किस तरह की आवश्यकता होती है और कब कितनी आवश्यकता होती है, पहचान कैसे करनी है कि पौधा हमारा स्ट्रेस में है या क्या करना है। तो धीरज जी, अंतिम बात जो आप कोई किसानों को कहना चाहेंगे, जो मेरे आने से यहाँ पर हुई या सर आपके आने से हमें फ़ायदा हुआ है, जैसे एक तो आपने हमें, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुझे आपने अनार और अमरूद की कटिंग बताई सबसे बढ़िया, तो जिसका मैं बिल्कुल मत जानकारी का अभाव था हमारे में, हमें पता नहीं था कि कटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और आपने मुझे बताया कि इसकी कटिंग ऐसे होगी, तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा आपने मुझे बताया कि जैसे ये गोबर की खाद है, इसको कैसे तैयार करनी है, इसको कैसे गालना है, और पौधे के लिए ये कैसे है, इसको मतलब बढ़िया अपने भी उपयोग कर सकते हैं इसका। और तीसरा, तीसरा आपने बताया सर, ये जैसे ये पौधे के पास जो तने के जो पानी लग रहे हैं, ये पानी के लिए इसको थोड़ी हल्की मिट्टी डाल के और पौधे से 1 फीट बाहर की तरफ आप इसमें पानी दो, जिससे धीरज साहू जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा, मेरा तो बहुत सत्कार किया है, और मैं रियली
दिल से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको तरक्की दे और सब कार्य करे। और धीरे धीरे ही सब कुछ सीखते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, आप देखो लाइन देखो, एक इंच का भी कहीं पर फर्क नहीं है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, इस आशा के साथ जो आसपास के किसान हैं, अभी अगले साल से इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, अमरूद की फसल भी आएगी, ये भी आएगी। इस इलाके में बागवानी नाम मात्र की है। मैं वहाँ डब्बाली से चला था और यहाँ तक मुझे बाग कोई बिरला ही एक आधा किसी का दिखाई दिया, कुछ भी नहीं है। और ये इलाका जो है, ये 4C वाला जो गंगानगर का ये इलाका है, ये बहुत ही प्रॉस्पर इलाका है, बहुत ही मतलब अच्छे वो हैं, इसमें समृद्ध लोग हैं और मेहनती भी बहुत हैं। जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, लोग टैंक बना रहे हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत सुंदर मकान बनाए हैं, सब सुख सुविधाओं से संपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत अच्छी है। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।